आवाज आ रही है मेरी? कोई मुझे एक जना बता दे। आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कल हमने जेनेटिक्स में पहला मेंडल का लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। उनमें से पहली टर्म्स ये है होमोजाइगस कंडीशन, और दूसरी कंडीशन होती है हीटरोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस और हीटरोजाइगस कंडीशन आपको जेनेटिक्स के अंदर पता होनी चाहिए। जैसे कल हमने देखा था कि हमने क्रॉस कराए थे, मान लीजिए ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है। ड्वार्फ मतलब बौना, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। मान लीजिए एक प्लांट प्लांट है जो बहुत लंबा है, और वहीं दूसरा प्लांट है जो बहुत छोटा है। तो एक को हम टॉल बोलेंगे, एक को हम ड्वार्फ बोलेंगे। तो ये प्योर वैरायटी का टॉल है, टॉल प्लांट है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों एलएल कैपिटल टी हैं, इसकी दोनों जीन्स टॉल के लिए कोड कर रही हैं। और ये जो है, ये प्योर वैरायटी का ड्वार्फ प्लांट है, इसकी दोनों जीन्स ड्वार्फ के लिए कोड कर रही हैं, दोनों एलएल। तो इस तरीके की कंडीशन जब दोनों एलएल सेम होते हैं, जैसे कि ये या फिर ये कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस। होमो मतलब एक सा, होमोजाइगस कंडीशन। और वहीं आपका जब F1 जनरेशन बन रही है, तो उसमें एक हाइब्रिड हमको देखने को मिलता है, तो ये कंडीशन कहलाती है हीटरोजाइगस कंडीशन। हीटरोजाइगस कंडीशन, हीटरो का मतलब होता है अलग अलग। तो जब भी इन दोनों का क्रॉस होगा और यहां पर F1 जनरेशन बनेगी, तो वो ऐसी बनेगी जिसको हम हीटरोजाइगस बोलेंगे। तो होमोजाइगस और हीटरोजाइगस आपको पता होना चाहिए। होमो मतलब सेम, हीटरो मतलब अलग अलग। दूसरी इसमें जो टर्म आती है वो आती है जीनोटाइप और फिनोटाइप। कल मैं आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में भी बता चुका हूं, आपको याद हो तो। जीनोटाइप और फिनोटाइप कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, हमारे पास एक टॉल वैरायटी ये है, एक टॉल वैरायटी ये है, और एक डॉर्फ वैरायटी ये है। ठीक, ये टॉल होगा प्लांट, ये भी टॉल होगा। क्यों? क्योंकि टी इज डोमिनेंट टू स्मॉल टी। तो ये जो कैरेक्टर यहां पर दिखेगा वो टॉल दिखेगा, और ये प्लांट जो होगा वो ड्वार्फ होगा। तो इनकी फिजिकल अपीयरेंस जो होगी टॉल, ये इनका फिनोटाइप कहलाएगी, और इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा ये जीनोटाइप कहलाएगा। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में और कुछ नहीं होता, बस यही चीज होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जीनोटाइप फिनोटाइप। धीरे धीरे करके हर जगह जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करेंगे, तो धीरे धीरे ये आ ही जाएगा। डोमिनेंट रिसेसिव आपको आ ही गया था। एक जब एक जीन के दो एलेल होते हैं, क्या होते हैं? दो एलेल। तो उनमें से एक जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो रिसेसिव होता है। याद रखिएगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट होगा, जो दिखा रहा है, और जो एक्सप्रेस किसी कारण से नहीं कर पा रहा है वो रिसेसिव वैरायटी होगी। जेनेटिक्स में जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे, कोई अलग बुक पढ़ेंगे कोई भी, तो आजकल डोमिनेंट को बोल देते हैं वाइल्ड टाइप। क्या बोल देते हैं? वाइल्ड टाइप। डोमिनेंट के लिए एक नया टर्म यूज होता है, वाइल्ड टाइप। और रेसेसिव जो भी होगा उसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं म्यूटेंट टाइप, म्यूटेंट टाइप। तो
तो रेसेसिव मतलब म्यूटेंट और डोमिनेंट मतलब वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप अगर कहीं पर लिखा आप पाए वाइल्ड टाइप, तो सीधे सीधे उसका मतलब होगा कि वो वैरायटी डोमिनेंट है। लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग ये होती है कि नेचर में अगर 100 प्लांट मिल रहे हैं तो उनमें से 70 या 70 से ज्यादा या 50 से ज्यादा, जो ज्यादा हैं वो वाइल्ड टाइप कहलाते हैं और जो कम होते हैं वो म्यूटेंट टाइप कहलाते हैं। जिनका ज्यादा परसेंटेज होगा, परसेंटेज, वो वाइल्ड टाइप होंगे, याद रखिएगा। तो ये वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप हम आज की डेट में पढ़ते हैं। नई नई जो भी किताबें होंगी या जो भी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डोमिनेंट और रेसेसिव से थोड़ा सा अलग है। डोमिनेंट और रेसेसिव जो होते हैं वो आपको जेनेटिक्स की छोटी छोटी छोटे बच्चों की किताबों में देखने को मिलेंगे कि डोमिनेंट इसको बोलते हैं, रेसेसिव इसको बोलते हैं। लेकिन हायर जेनेटिक्स जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा 12th स्टैंडर्ड की या उससे ऊपर ग्रेजुएशन लेवल की, तो वहां आपको वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप ही टर्म्स सुनाई देंगी। अब आता है ये मेंडल का दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ नंबर 2 है, मेंडल ने दिया था। बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, देखिए कोई भी एक मेल ऑर्गेनिज्म है और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है। तो मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? मेल स्पर्म बनाएगा, फीमेल ओवा या ओवम ये बनाएगी, और स्पर्म और ओवा जब आपस में फर्टिलाइज एक दूसरे को करेंगे तो यहां पर एक नया ऑर्गेनिज्म, ये F1 जनरेशन आपकी ये बनेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्पर्म और ओवा, इनको गैमेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैमेट्स। स्पर्म मेल का गैमेट होता है और ओवा जो होता है वो फीमेल का गैमेट होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। आगे देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए वो टॉल है, तो उसका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा? ऐसा होगा, या वो हाइब्रिड भी हो सकता है, इन दोनों में से एक वैरायटी हो सकती है। हम इसको अपने एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, जब भी हम पढ़ेंगे हाइब्रिड वैरायटी को ही एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं। तो मान लीजिए ऑर्गेनिज्म था ये, तो ये क्या करेगा? अपने गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। अब इसके गैमेट्स बने, इसमें दो तरीके के गैमेट्स बनेंगे, पहला ऐसा और दूसरा ऐसा। ये बात याद रखिएगा। कहने वाली बात यह है कि जब भी ये ऑर्गेनिज्म अपना स्पर्म बनाएगा, स्पर्म में कौन सा सेल डिवीजन होता है? कल बताया था मैंने स्पर्म बनाने में, मियोसिस। तो ये आगे चल के 4 सेल बनाएगा, 4 स्पर्म बनाएगा। एक सेल जो होगा, जो टी और टी रहा होगा, वो आगे चल के 4 सेल बनाएगा, 4 स्पर्म बनाएगा। उनमें से 2 कैपिटल टी कैपिटल टी होंगे और 2 स्मॉल टी और स्मॉल टी होंगे, अलग अलग होंगे। ऐसे ही ओवम होगा, अगर अगर हमारे पास कोई ओवम होगा तो वो उसकी जो मदर होगी या फीमेल है, वो जब अपना ओवम बनाएगी तो वो भी 4 तरीके के ओवम बनाएगी, एग बनाएगी। एक ऐसा, ऐसा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो बन तो 4 रहे हैं, लेकिन वैरायटी हमारे पास यही है कि एक वैरायटी ये है और एक वैरायटी ये है। सेम यहां भी ओवम, ओवम में भी ऐसा ही है। तो ये प्योरली चांस की बात होती है कि कौन सा स्पर्म, कैपिटल टी वाला, किस ओवा को फर्टिलाइज करता है। ये बिल्कुल चांस की बात होती है। मान लीजिए कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाले को करेगा तो इंडिविजुअल ऐसा बनेगा, कैपिटल
कैपिटल टी वाला कैपिटल टी वाले को करेगा तो इंडिविजुअल ऐसा बनेगा, स्मॉल टी वाला स्मॉल टी स्मॉल टी स्पर्म जो होगा स्मॉल टी ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो इंडिविजुअल ऐसा बनेगा। तो ये बिल्कुल चांस की बात होती है कि कौन सा स्पर्म किस ओवा को फर्टिलाइज करे, ठीक है। अब यहां पर सेग्रीगेशन का मतलब क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। देखिए इंग्लिश में सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, सेग्रीगेट करना। जैसे कबाड़ी वाला होता है घरों से कबाड़ ले जाता है, कबाड़ ले जाने के बाद वो अपनी दुकान में क्या करता है सारे कबाड़ को सेग्रीगेट करता है। कहने वाली बात यह है कि लोहे के साथ लोहा रखता है, कागज के साथ कागज रखता है। तो ये जो प्रोसेस होती है अलग करने की इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही होता है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में क्या होता है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल हमारे पास इस तरीके का है तो जब वो अपने गैमेट्स बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा तो उसके जो एलेल होंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एक अलग चला जाएगा और ये अलग चला जाएगा। एक ही सेल में दोनों एलेल कभी नहीं रहेंगे। देखिए ये वाला इसको इसके फादर से मिला हो सकता है और ये वाला इसको इसकी मदर से। तो जब ये अपने गैमेट्स बनाएगा तो फादर वाले क्रोमोजोम को किसी एक सेल में भेज देगा और मदर वाले क्रोमोजोम को किसी एक सेल में भेज देगा। तो क्रोमोजोम जो मदर और फादर से मिले थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए, याद रखिएगा। और इस सेपरेशन को ही सेग्रीगेशन बोल दिया जाता है। तो मेंडल ने ये बात पता लगा ली थी कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके एलएल सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला गया। जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सामने आया तभी जेनेटिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आए। जैसे एक जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं इसी को, टॉल वाले को। टॉल ऑर्गेनिज्म जब ड्वार्फ के साथ इसका क्रॉस कराया जाएगा तो हमारे पास जो F1 जनरेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन मिली। अब F1 क्रॉस F1 जब हम कराते हैं तो हमको कौन सी जनरेशन मिलती है, F2। F2 यहां पर क्या मिलेगी आपको अगर याद हो तो, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये हमारे पास इस तरीके की जनरेशन हमको F2 में देखने को मिलती है। तो यहां पर देखिए जब इस ऑर्गेनिज्म ने इसने अपने गैमेट्स बनाए होंगे तो एक गैमेट ये बना होगा और एक गैमेट ये बना होगा, ऐसा ही इसके फीमेल के साथ भी हुआ होगा। मेल और फीमेल क्योंकि दोनों जीनोटाइप दोनों का एक ही है तो हम गैमेट्स भी एक ही बार बना के आपको यहां दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल चांस की बात है कि टी, देखिए पहले केस में क्या हुआ कि ये वाला गैमेट इसी गैमेट से फर्टिलाइज हुआ तो ये ऑर्गेनिज्म बना। जब ये वाला गैमेट कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाले गैमेट से फर्टिलाइज करता है तो इस तरीके के हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं ये। और जब स्मॉल टी वाला गैमेट स्मॉल टी वाले से ही फर्टिलाइज करता है तो ये हमको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। तो ऐसा तब हो पाया, इतनी वैरायटी हमको तब देखने को मिली जब गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो एलएल थे, एक एलएल ये था एक एलएल ये था, ये सेग्रीगेट हुए, एक इंडिविजुअल में ये गया एक इंडिविजुअल में ये गया। अब क्योंकि दोनों सेम बन रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी, ये हाइब्रिड वैरायटी के जब अपने गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो जाएंगे। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या आते हैं ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में अगर आप बैठे हैं कॉपी पेन लेके, अदरवाइज इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आपका कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आ जाएगा वो सही होगा हमेशा। देखिए एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और दूसरा ऑर्गेनिज्म है कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। तो यहां पर देखिए इसके पास तीन जीन है, जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3।
सॉरी, ये स्मॉल बी, और यहाँ इसको स्मॉल सी करते हैं, मैंने थोड़ा गलत नोट कर दिया है। ठीक है, स्मॉल सी। तो ये जीन नंबर वन है, जीन नंबर टू है और जीन नंबर थ्री है। यहां पर भी जीन नंबर वन है, जीन टू है और जीन थ्री है। तो जब ये ऑर्गेनिज्म अपने गैमेट्स बनाएगा, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म नंबर वन और ऑर्गेनिज्म नंबर टू, दोनों के गैमेट्स बताओ कितने गैमेट्स बनेंगे। तो आपने क्या देखना है, आपने हेटरोजाइगस कंडीशन देखनी है। हेटरोजाइगस कंडीशन मतलब ये, इस तरीके की, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, हाइब्रिड वैरायटी। तो यहां पर हेटरोजाइगस कंडीशन हमको देखने को मिलती है कितनी जीन्स में, एक जीन में, दो जीन में और तीन जीन में। तो इसके नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हीटरोजाइगस कंडीशन, हीटरोजाइगस। ठीक है, तो यहां पर हीटरोजाइगस कंडीशन 3 है, तो हमारे जो गैमेट्स बनेंगे वो 2 to the power 3 बनेंगे, 2 to the power 3, यानी कि 2 multiplied by 2 multiplied by 2, आंसर क्या आएगा, 8। 8 अलग अलग वैरायटी के गैमेट्स ये बनाएगा। अब इस ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, दूसरे वाले में ये कितने तरीके के गैमेट्स बनाएगा। इसमें हिट्रोजाइगस कंडीशन कहाँ है, सिर्फ यही है, बाकी ये और ये जो है, ये और ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो हिट्रोजाइगस कंडीशन सिर्फ एक जगह है, तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 to the power only 1, यानी कि 2। तो ये सिर्फ दो ही अलग अलग तरीके के गैमेट्स बनाएगा, ओनली 2, याद रखिएगा। तो इसके पास वैरायटी सिर्फ दो की है, जबकि इस ऑर्गेनिज्म के पास वैरायटी 8 की है। तो ये क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में आता है, जरूर आता है, ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी छोटे एग्जाम में बैठे या बड़े एग्जाम में बैठे, तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझसे आप फिर से पूछ लीजिए। आ गया है समझ में, या एक बार और बताऊं, कोई बताए मुझे। आ गया आप लोग को, ठीक है, चलिए आ गया होगा, तो हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ लिया है। अब एक जेनेटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, टेस्ट क्रॉस का, टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखिए आप इस बात को समझिए। हाँ जी सर, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देन? What is the exact definition? There is no specific definition for the law of segregation. Law of segregation, yes, simply means the separation of the genetic allele from a specific location of a chromosome during the only gamete formation. Only separation of allele. That's it, na sir? From heterozygous condition? From heterozygous condition and homozygous condition both. But the difference lies here that in heterozygous condition, you will get two different kinds of gametes, but in homozygous condition you are going to get only one kind of gamete. This is the basic difference in between the homozygous and heterozygous condition for the law of segregation. Okay, thank you sir. आ गया समझ में? Yes sir, thank you. Law of segregation जो होता है, मैं फिर से बता दूं, law of segregation का मतलब होता है कि एक जीन के दो एलएल प्रेजेंट है। जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरी एक हाइट है, मान लीजिए मेरी हाइट टॉल है, तो मेरे सेल जो बॉडी का एक एक सेल होगा उसमें मान लीजिए एक क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम है, तो 46 मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम नंबर 11 में, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लीजिए, मैं बोर्ड पे समझा देता हूं आपको फिर से। देखिए
ये एक इंडिविजुअल है, अच्छे से समझ लीजिए, इसमें 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम का मतलब होता है 23 पेयर। तो 1 से लेकर 23 तक इसके पास क्रोमोसोम है जो जोड़े में प्रेजेंट है। एक इसको इसकी मदर से मिला होगा, एक इसको इसके फादर से। मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 11 में, क्रोमोसोम नंबर 11 में एक जीन प्रेजेंट है जो इसकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रोमोसोम नंबर 11 ये है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। तो ये एक है जो इसको इसके फादर से मिला होगा, और ये वाला इसको इसकी मदर से मिला होगा। उसके इस पॉइंट पे मान लीजिए वो जीन प्रेजेंट है, तो यहां पर इसके ये फादर से मिला है इसको, ये इसको मदर से मिला है, ये 11 नंबर का क्रोमोसोम है। मान लीजिए यहां पर वो जीन प्रेजेंट है हाइट के लिए, तो यहां पर कौन सी जीन होगी? मान लीजिए कैपिटल टी है और यहां पर स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी वाला तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, कैपिटल टी वाला करेगा। तो ये ऑर्गेनिज्म जो था हमारे पास, इस वजह से ये टॉल होगा। क्या होगा? टॉल, क्योंकि ये फादर से मिले क्रोमोसोम ने अपना काम किया है। अब जब ये ऑर्गेनिज्म आगे चल के अपने स्पर्म बनाएगा, तो ये दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। एक स्पर्म को ये वाला क्रोमोसोम मिलता है और दूसरे स्पर्म को ये वाला क्रोमोसोम मिलता है। तो इसको अगर ये वाला क्रोमोसोम मिला होगा तो इसका जेनेटिक मेकअप टी हो जाएगा, इसको ये वाला क्रोमोसोम मिला होगा तो इसका जेनेटिक मेकअप इस स्पर्म का क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। तो यही कहने का मतलब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, कि आप जब इंडिविजुअल थे तो आपके पास दोनों एलएल, ये हाइट के दोनों एलएल एक साथ थे, लेकिन इंडिविजुअल ने जब अपने गैमेट बनाए तो ये दोनों एलएल क्या हो गए? सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अब आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन मत रखना। चलो अब हम टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट नाम में ही टेस्ट छुपा है उसके, टेस्ट करना है हमको। अब हमारे पास देखिए तीन तरीके के इंडिविजुअल हैं, पहला इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल और तीसरा इंडिविजुअल। ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, मतलब इन दोनों का फिनोटाइप क्या होगा? टॉल होगा। जबकि ये क्या होगा? ड्वार्फ। तो आप ड्वार्फ वैरायटी को तो अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लांट देख के या ऑर्गेनिज्म की हाइट देख के। लेकिन दो टॉल जब आपको इस तरीके के मिलेंगे जिसमें एक प्योर वैरायटी का होगा और एक हाइब्रिड वैरायटी का होगा, तो आप उसका शरीर देख के उसका जीनोटाइप कभी नहीं बता सकते। भैया आप मेरी हाइट अगर लंबी है मान लीजिए, तो आप मेरी हाइट देख के मेरे सेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम हैं, क्या मैं प्योर टी टी कैपिटल टी कैपिटल हूँ या हाइब्रिड स्मॉल टी कैपिटल टी हूँ, आप पता लगा ही नहीं सकते। तो ये पता लगाने का जो तरीका होता है उसी को टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, वही हम समझेंगे। देखिए टेस्ट क्रॉस क्या है, आप क्या करिए, अगर आपको जरा सा भी डाउट है पता करने का, तो आप क्या करिए, क्रॉस करवा दीजिए रेसेसिव के साथ। आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब वो इंडिविजुअल जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसका आप क्रॉस करा दीजिए रेसेसिव वाले के साथ, कोई भी रेसेसिव, प्योर रेसेसिव के साथ। तो हमारे सब्जेक्ट मान लीजिए पहला केस वन में हमारा सब्जेक्ट था कैपिटल टी, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि इसका जीनोटाइप कैसा है, बस हमको ये दिखता टॉल है, तो हम इसका क्रॉस करा देंगे किसके साथ? रेसेसिव, प्योर रेसेसिव के साथ। तो हमारे पास जो जनरेशन F1 आएगी वो क्या आएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बात समझ में आ गई? तो यहां सारे के सारे यानी कि 100% जो होंगे वो टॉल आएंगे, किसमें? F1 जनरेशन में। अब वही हम केस सेकंड ले लेते हैं, केस नंबर टू में हमारे पास जो टॉल वैरायटी थी वो एक हाइब्रिड वैरायटी थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका क्रॉस अब हम रेसेसिव, प्योर रेसेसिव के साथ कराते हैं, और
इसकी जो जनरेशन हमको देखने को मिलती है वो क्या मिलेगी, इस कैपिटल टी के साथ एक बार ये जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी के साथ एक बार ये जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले स्मॉल टी के साथ एक बार ये स्मॉल टी जाएगा स्मॉल टी और इसके साथ एक बार ये स्मॉल टी जाएगा स्मॉल टी। तो हमको क्या मिले, 50% इंडिविजुअल क्या मिले, टॉल मिले, और 50% हमको यहाँ पर क्या मिले, ड्वार्फ मिले। तो रेशियो बदल गया, जहां हमको प्योर 100% टॉल देखने को मिल रहे थे, अब यहां पर हमको केस नंबर टू में वही रेशियो 50% by 50% मिल गया, जिसको हम जेनेटिक्स में 1:1 बोल देते हैं, 1:1। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप टेस्ट क्रॉस करते हैं तो आपके पास अगर प्योर वैरायटी है तो उसका रेशियो 100% आएगा, सारे के सारे टॉल आएंगे, और अगर आपके पास हाइब्रिड वैरायटी रही होगी उसके टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट 1:1 देगा, यानी 50% आपको टॉल देगा और 50% आपको क्या देगा, ड्वार्फ। तो ये पता लगाने का सबसे सरल तरीका होता है जेनेटिक्स के अंदर, इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो टेस्ट क्रॉस आ गया समझ में, कोई दिक्कत? टेस्ट क्रॉस का सीधा सा मतलब ये है कि आप रेसेसिव वाले के साथ क्रॉस करवा दीजिए, उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अब जेनेटिक्स के अंदर एक और टर्म होती है जिसको बोला जाता है बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या है वो समझते हैं। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, देखिए बैक क्रॉस क्या है, हमने प्योर वैरायटी के इंडिविजुअल लिए और इनका आपस में क्रॉस कराया तो हमको जनरेशन मिली ये हाइब्रिड कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको पेरेंट्स के साथ वापस क्रॉस करा दीजिए तो वो बैक क्रॉस कहलाता है, उल्टा, यानी कि कैपिटल टी को स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड वैरायटी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस करा दीजिए, और या कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो हाइब्रिड वैरायटी हमको यहाँ पर मिल रही थी इसको स्मॉल टी के साथ आप क्रॉस करवा दीजिए, तो ये बैक क्रॉस कहलाता है। जो बैक क्रॉस रेसेसिव वाले के साथ किया जाता है उसी को हम टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या हो गई, द बैक क्रॉस डन विद द रेसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो ये बहुत एक अच्छा इसका उदाहरण था, समझ में आ गया बैक क्रॉस। अब आगे देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझ में आ गया होगा, टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया होगा, बैक क्रॉस भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या हमारे पास टॉपिक है, डोमिनेंट और वाइल्ड टाइप तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा एक चीज और देखिए, एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब मैं सिंगल कैरेक्टर लेता हूं क्रॉस करते टाइम, सिंगल जीन या कैरेक्टर, तो ऐसे क्रॉसेस मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं, और जब दो या दो से ज्यादा टू और मोर देन टू जब हम जीन्स लेते हैं क्रॉस करते टाइम तो ऐसे क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल ये होगा, मैंने सिंगल कैरेक्टर लिया हाइट का HEIGHT, तो हाइट का क्रॉस क्या आएगा, ये सिंपल एक ही जीन इन्वॉल्व है और ये उसका क्रॉस हो गया। डायहाइब्रिड क्रॉस जब मैं करूंगा तो मैं दो कैरेक्टर ले लेता हूं, मान लीजिए एक मैंने ले लिया हाइट
और एक मैंने ले लिया कलर। तो हाइट के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्योर में वो ये होंगी, और कलर के लिए मान लीजिए रेड थी। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर हमने ले लिए, इनका क्रॉस किससे होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। इस तरीके के जब हम दो ले लेते हैं कैरेक्टर तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस बन जाता है। जब हम तीन कैरेक्टर लेंगे इस तरीके से ए ए बी बी और सी सी तो ये ट्राई हाइब्रिड बन जाएगा। ऐसे ही आप कितने ही हाइब्रिड क्रॉस इसमें बना सकते हैं। तो मोनो हाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा आपको। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हमने पढ़ा वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ध्यान में रख के पढ़ा, क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर यूज कर रहे थे। लेकिन मेंडल का जो तीसरा सिद्धांत है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें हम डायहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे अच्छे से। जब डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ जाएगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ने से पहले मेंडल के सेवन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सेवन कैरेक्टर्स मेंडल ने जो चुने थे कौन से प्लांट में, पाइसम सेटाइवम। ये पी जो होगा ये कैपिटल होगा, पाइसम सेटाइवम, ठीक। इसको हम पी प्लांट बोल देते हैं। कल मैंने आपको पी प्लांट के बारे में बताया था बारे में इसके कि लेग्यूम फैमिली का प्लांट होता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। देखिए मेंडल जो थे वो बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट करना जानते थे, वो रिकॉर्ड अपना पूरा मेंटेन करके रखते थे, सारा रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया हुआ था हर चीज का। तो वहीं से हमको ये डेटा देखने को मिलता है। तो सेवन कैरेक्टर्स में से देखिए पहला जो कैरेक्टर उन्होंने चुना था वो था प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट, ठीक। दूसरा कैरेक्टर जो उन्होंने चुना था वो था फ्लावर पोजीशन, कि फूल लग रहा है तो कहां पर लग रहा है प्लांट में, किस पोजीशन पे लग रहा है। तीसरा जो कैरेक्टर उन्होंने चुना था वो था पॉड शेप, पॉड मतलब फली। चौथा कैरेक्टर जो उन्होंने चुना था वो चुना था पॉड कलर। पांचवा कैरेक्टर जो उन्होंने चुना था वो सीड शेप को चुना था। छठा कैरेक्टर जो उन्होंने चुना था वो चुना था सीड कलर। और सातवां कैरेक्टर जो था वो था फ्लावर कलर। ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, किसी बुक में फ्लावर कलर दिया है, किसी बुक में कोई दूसरा कैरेक्टर दिया है, तो ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। तो अब हम समझेंगे। देखिए हर कैरेक्टर की दो उसमें एलएल थे, एक था डोमिनेंट और एक था रेसेसिव। तो डोमिनेंट वालों को हम इधर लिखेंगे इस वाले खाने में, और रेसेसिव वालों को हम इस खाने में लिखेंगे। मैं बता देता हूं आपको, मैं इसमें थोड़े से बना देता हूं। तो डोमिनेंट जो होगा उसको मैं रेड कलर से आपको दिखाऊंगा, और जो रेसेसिव होगा उसको मैं कोशिश करूंगा ब्लैक से बनाने की। तो सबसे पहले हम प्लांट हाइट की बात करते हैं। तो प्लांट हाइट जो थी वो थी टॉल, जो डोमिनेंट थी। फ्लावर पोजीशन की बात करें अगर हम, तो फ्लावर जो पोजीशन थी वो डोमिनेंट जो वैरायटी थी वो एक्सियल पोजीशन थी। मैं अभी एक एक करके सब चीज समझा दूंगा, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। पॉड शेप जो था डोमिनेंट वो इन्फ्लेटेड था, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट कैरेक्टर था पॉड। अगर हम कलर की बात करें तो ग्रीन कलर जो था वो डोमिनेंट वैरायटी थी। सीड के अगर शेप की बात करें हम तो राउंड जो था वो डोमिनेंट वैरायटी था, और सीड के अगर हम कलर की बात करें तो वो येलो कलर का सीड जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था।
और फ्लावर अगर हम कलर की बात करें इसमें, तो वॉयलेट यानी कि ब्लू टाइप का जो कलर होता है, वॉयलेट कलर, वो डोमिनेंट था। रेसेसिव कलर की अगर हम बात करें, जो रेसेसिव थे वो ड्वार्फ थे, ड्वार्फ। एक्सियल पोजीशन फ्लावर की जो थी डोमिनेंट, तो रेसेसिव थी टर्मिनल। पॉड शेप अगर इन्फ्लेटेड डोमिनेंट था, तो रेसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड था, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड अगर कलर की बात करें हम, पॉड कलर ग्रीन अगर इसमें डोमिनेंट था, तो येलो कलर जो था वो रेसेसिव था। सीड शेप राउंड डोमिनेंट था, तो रिंकल्ड जो था वो रेसेसिव था। सीड कलर की अगर बात करें, येलो डोमिनेंट था, तो ग्रीन कलर का जो बीज था, ग्रीन कलर का जो बीज सीड था वो रेसेसिव था। और फ्लावर कलर की अगर हम बात करें, तो वाइट कलर का जो फ्लावर था वो रेसेसिव था। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले प्लांट हाइट को समझते हैं। मैं यहाँ पर राइट में ही समझा देता हूँ, इसी के बगल में, कि प्लांट हाइट क्या है। देखिए, एक प्लांट हाइट बहुत लंबी थी, एक प्लांट हाइट बहुत छोटी थी, तो इसको बोला गया टॉल और इसको बोला गया ड्वार्फ। तो ये जो था डोमिनेंट था, ये जो था वो रेसेसिव था। रेसेसिव वाला कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो प्लांट हाइट समझ में आ गई। अब सेकंड हम पढ़ेंगे फ्लावर की पोजीशन। देखिए, फ्लावर कहां पर लगता है ये थोड़ा समझने की बात है। पोजीशन क्या होती है फ्लावर की, फ्लावर पोजीशन। मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है। अगर फ्लावर यहां पर लग रहा है बिल्कुल एंड पॉइंट पे, तो ये कंडीशन कहलाती है टर्मिनल, टर्मिनल फ्लावर। ये बात याद रखिएगा, टर्मिनल बिल्कुल एंड पे जो लग रहा है, ठीक। और अगर फ्लावर जो होता है यहां पर लग रहा है ऐसे इनमें पास में ही बिल्कुल बीचों बीच, तो ये जो पोजीशन होती है ये कहलाती है एक्सियल, एक्सिस पे जो लग रहा है। ये जो एक्सिस है प्लांट का, जो मुख्य तना है, उसी से फ्लावर जुड़े हुए हैं, तो ये कंडीशन एक्सियल कहलाएगी। और अगर इससे जुड़े हुए नहीं है, थोड़ी दूर जाके सिर्फ एंड्स पे हमको देखने को मिलते हैं, तो वो कंडीशन टर्मिनल कहलाती है। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा आता है पॉड शेप। पॉड क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मटर को आप छीलते हैं ना, तो मटर की जो फली होती है उसको पॉड बोला जाता है। वो दो तरीके का होता है। एक मटर का जो बाहर का फली होगी वो ऐसी दिखेगी, और कोई कोई मटर होते हैं वो इमली जैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे। ये तो ये जो होता है, ये पहली कंडीशन, इसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड। और ये जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इन्फ्लेटेड जो होता है वो डोमिनेंट होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड पे। तो ये पॉड शेप भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा है पॉड का कलर। भाई इसका अगर कलर ग्रीन है तो ये डोमिनेंट है, और इसका अगर कलर येलो है तो ये क्या है, रेसेसिव है। नेक्स्ट आता है सीड का शेप। मटर के जो दाने होते हैं उसको समझिएगा, मटर के दाने कैसे दिखते हैं। एक मटर का दाना ऐसा दिखता है बिल्कुल गोल, और दूसरा मटर का दाना ऐसा इस टेढ़ा मेढ़ा होता है थोड़ा। तो जो बिल्कुल गोल होता है उसको बोलते हैं राउंड सीड, और जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको बोलते हैं रिंकल्ड टाइप, रिंकल्ड। रिंकल फेस पे भी पड़ जाते हैं ना झुर्रियां, तो इस बीज में भी झुर्रियां पड़ी होती हैं। तो राउंड और रिंकल्ड में जो राउंड होगा वो डोमिनेंट होगा। अब ये बीज अगर येलो कलर का है तो वो डोमिनेंट है, और अगर वो ग्रीन कलर का है तो वो रिसेसिव है। तो सीड कलर भी आपको समझ में आ गया होगा। और फ्लावर कलर तो आपको पता ही है कि वॉयलेट कलर का अगर फ्लावर होगा, वॉयलेट कलर का, तो वो डोमिनेंट होगा, और वाइट कलर का होगा तो वो रेसेसिव होगा। तो ये सेवन कैरेक्टर मेंडल के थे जो आपको पता होने चाहिए। आगे देखते हैं।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आप जेनेटिक्स में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ऐसे क्रॉस जिसमें आप दो और मोर देन टू कैरेक्टर लेते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो सिर्फ डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको देखने को मिलता है, ये मेंडल का तीसरा लॉ था। अब देखिए होता क्या है कि मैंने दो कैरेक्टर ले लिए, मान लीजिए पहला कैरेक्टर ले लिया मैंने हाइट और दूसरा ले लिया, दूसरा कैरेक्टर फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, ठीक है। तो हाइट हमारे पास कौन से दो एलएल अवेलेबल है, ये, और फ्लावर कलर के लिए हमारे पास वॉयलेट और व्हाइट था, तो डब्ल्यू से दिखा देते हैं इसको, ये और ये, हमारे पास ये दो एलएल इसके लिए मौजूद हैं। तो इन दो को ध्यान में रखते हुए अब हम क्रॉस नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए पहला इंडिविजुअल प्योर वैरायटी का हमारे पास जो है वो डोमिनेंट टाइप है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, और दूसरा इंडिविजुअल हमारे पास है स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब देखिए ये जो वैरायटी होगी प्लांट की ये कैसी होगी, टॉल होगी और वॉयलेट कलर की होगी, और ये जो प्लांट है हमारे पास प्योर ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा और साथ में क्या होगा, व्हाइट, मतलब ये छोटा प्लांट होगा और इसमें फूल जो लगेंगे वो हमेशा सफेद कलर के लगेंगे। अब बारी आएगी इनके क्रॉस की, क्रॉस से पहले ये अपने गैमेट्स बनाएगा, तो इन दोनों में से जो इसके गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी में से एक टी आएगा, दोनों कैपिटल डब्ल्यू में से एक डब्ल्यू आएगा, तो ये इसका एक गैमेट बन गया। सिमिलरली इसका भी एक गैमेट बन जाएगा, इन दोनों स्मॉल टी में से एक टी आ जाएगा और स्मॉल डब्ल्यू में से एक स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो यहां पर आपकी जो एफ वन जनरेशन बनेगी वो ये बनेगी, कैपिटल टी यहां से आ गया, इसके साथ ये स्मॉल टी आ जाएगा और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो ये आपकी एफ वन जनरेशन बन गई है। ये कैसी दिखेगी, क्योंकि हमारे पास कैपिटल टी मौजूद है तो ये टॉल तो होगा ही होगा, साथ में हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू मौजूद है तो ये वॉयलेट होगा ही होगा। सारे प्लांट एफ वन जनरेशन के जो बनेंगे वो टॉल और वॉयलेट बनेंगे, बिल्कुल इस पेरेंट की तरह, डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह। लेकिन असली खेल जो है वो मैंने आपको पहले ही दिन क्लास में बताया था कि F2 जनरेशन के रिजल्ट देखने पड़ते हैं। तो F2 जनरेशन के रिजल्ट देखने से पहले आपको F1 जनरेशन के गैमेट्स बनाने होंगे। हमारे पास F1 जनरेशन ये है, ठीक है, तो इसमें गैमेट्स कितने टाइप के बनेंगे पहले तो ये पता लगाते हैं। दो हाइब्रिड हेटरोजाइगस कंडीशन है, वन और टू, तो टू की पावर टू यानी कि क्या बनेगा, टू इंटू टू फोर, चार अलग अलग तरीके के इसके गैमेट्स बनेंगे। वो कौन कौन से होंगे वो समझ लेते हैं। इसके जो स्पर्म बनेंगे या ओआ बनेंगे वो चार वैरायटी के बनेंगे। पहली वैरायटी क्या आएगी, एक कैपिटल टी के साथ एक कैपिटल डब्ल्यू, दूसरी वैरायटी एक कैपिटल टी के साथ स्मॉल डब्ल्यू, एक कैपिटल टी के साथ स्मॉल डब्ल्यू, तीसरी जो वैरायटी बनेगी स्मॉल टी के साथ कैपिटल डब्ल्यू, और चौथी वैरायटी जो बनेगी स्मॉल टी के साथ स्मॉल डब्ल्यू।
ये चार वैरायटी हमको देखने को मिल गई। अगर आप लोग की समझ में इस तरीके से नहीं आता है तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, हमेशा फोर्कड लाइन मेथड से बनाइएगा। इसको बोलते हैं फोर्कड लाइन मेथड टाइप्स, ये जो अलग अलग वैरायटी बनाने के जो अलग अलग वैरायटी कैसे बनेगी गैमेट्स की, वो ऐसे बनाइएगा। सबसे पहले आप पहला कैरेक्टर लिखिएगा कैपिटल टी, उसके नीचे स्मॉल टी। अब यहाँ क्योंकि दो इसके एलएल हैं तो दो, एक बार ये कैपिटल डब्ल्यू से रिएक्ट करेगा, एक बार स्मॉल डब्ल्यू से। सेम गोज विद इट, एक बार ये कैपिटल डब्ल्यू से रिएक्ट करेगा और एक बार स्मॉल डब्ल्यू से। तो जो पहला यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, इस टी के साथ ये कैपिटल डब्ल्यू टी डब्ल्यू, दूसरा बनेगा इस टी के साथ स्मॉल डब्ल्यू टी के साथ स्मॉल डब्ल्यू, फिर यहां से स्मॉल टी के साथ कैपिटल डब्ल्यू, और यहां पर स्मॉल टी के साथ स्मॉल डब्ल्यू। तो आपको 1, 2, 3, 4 चार वैरायटी देखने को मिल गई, जैसा कि हमारा फॉर्मूले में आया था 2 to the power n में, जहां n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन। ये हेटरोजाइगस है, ये हेटरोजाइगस है, ठीक है। तो ये या तो आप फोर्क लाइन मेथड से बनाएंगे टाइप्स, या फिर नॉर्मली अगर आपको ये चीज समझ में आती है डायरेक्ट करना तो ऐसे बना सकते हैं। तो गैमेट्स बन चुके हैं, तो एक पेरेंट के गैमेट्स ये हैं, तो दूसरे पेरेंट के गैमेट भी क्या होंगे, यही होंगे, सेम, कोई अलग नहीं होंगे। तो टी कैपिटल डब्ल्यू टी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। अब ये दो पेरेंट जो होंगे आपस में क्रॉस करेंगे, तो इनको पुनेट स्क्वायर में हम क्रॉस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रोजेनी बनती है। तो पहला गैमेट हमारे पास क्या था, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू, ये एक पेरेंट हमने ऐसे बना दिया। दूसरा पेरेंट हम ऐसे वर्टिकली बनाएंगे, क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। अब यहां पर देखिए, जब ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनका रिजल्ट यहाँ आएगा, जब ये और ये रिएक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ पर आएगा। उतने ही खाने बना लीजिए आप इसमें, ये पुनेट स्क्वायर मैंने कल आपको बताया था, इस तरीके से आप पुनेट स्क्वायर अपना बना लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट जो अवेलेबल होगा वो थोड़ा बड़ा लेवल का रिजल्ट अवेलेबल होगा। तो पहला हमारे पास जो देखने को मिला वो मिला कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, दूसरा कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी आया, बड़े डब्ल्यू के साथ छोटा डब्ल्यू आ गया, तीसरा कैपिटल टी यहाँ से आया और स्मॉल टी यहाँ से आया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू के साथ कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी और बड़े डब्ल्यू के साथ छोटा डब्ल्यू। इस वाले में कैपिटल टी आए और बड़ा डब्ल्यू यहाँ से आया और छोटा डब्ल्यू यहाँ से आया। इस वाले स्क्वायर में कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और यहां पर कैपिटल टी यहां से मिलेगा और स्मॉल टी यहां से मिलेगा, तो स्मॉल डब्ल्यू दोनों जगह है तो स्मॉल डब्ल्यू। इसमें आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, इसमें आएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ आएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पर आएगा स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। इधर आएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इधर आएगा कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इधर आएगा स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और इधर हमारे पास आएगा कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू।
तो हमारे पास टोटल रिजल्ट कितने आए? 16. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 16. टोटल रिजल्ट हमारे पास 16 आए हैं. अब इस रिजल्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. देखिए यहां पर ये टॉल होगा. आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको कि यहां पर ये टॉल होगा. ठीक है. और ये वॉयलेट कलर का होगा. तो ये जो है ये दोनों केस में डोमिनेंट है. ये भी दोनों केसेस में डोमिनेंट होगा. ये भी दोनों केसेस में डोमिनेंट होगा. ये भी दोनों केस में डोमिनेंट होगा. ये भी दोनों केस में डोमिनेंट होगा. ये सिर्फ एक केस में डोमिनेंट होगा. ये वाला याद रखिएगा, सिर्फ इसमें डोमिनेंट है. ये वाला दोनों केसेस में डोमिनेंट होगा. ये वाला सिर्फ एक केस में डोमिनेंट होगा. और ये वाला दोनों केसेस में डोमिनेंट होगा. दोनों केसेस में डोमिनेंट होगा. ये वाला दोनों केसेस में डोमिनेंट होगा. ये वाला सिर्फ एक केस में डोमिनेंट होगा. एक केस में डोमिनेंट होगा. ये वाला दोनों केसेस में डोमिनेंट होगा. सिर्फ एक केस में डोमिनेंट होगा. एक केस में डोमिनेंट होगा. तो एक केस वालों को हम येलो कलर से दिखा देते हैं. ये एक केस वाला है. ये सिंगल केस डोमिनेंट. ये भी सिंगल केस डोमिनेंट है. ये भी सिंगल केस डोमिनेंट है. और रेड कलर से हम बोथ केसेस डोमिनेंट वाले दिखा देते हैं. ठीक. ये और इसमें और कुछ छूट तो ना. हाँ ये ठीक हो गया. अब इस रिजल्ट की हम स्टडी करते हैं. तो इस रिजल्ट में हमको क्या देखने को मिलता है? जहां पर दोनों डोमिनेंट है, टॉल भी है और वॉयलेट भी है, दोनों केसेस में, ऐसे हमको कितने केस देखने को मिल रहे हैं? 9. ठीक. उसके बाद हमको जो टॉल के, टॉल तो है लेकिन वॉयलेट ना होके वाइट है. जो टॉल तो है, डोमिनेंट कैरेक्टर, टॉल तो है लेकिन साथ में वाइट भी है, ऐसे केस हमको कितने देखने को मिलते हैं? 3. कौन कौन से? ये टॉल होगा, वाइट होगा, और ये टॉल होगा, वाइट होगा, और ये वाला टॉल होगा और वाइट होगा. तीसरे जो इंडिविजुअल हमको देखने को मिलते हैं वो ये देखने को मिलते हैं कि जो ड्वार्फ है लेकिन साथ में वॉयलेट है, डोमिनेंट कैरेक्टर कलर में आ गया. तो ऐसे इंडिविजुअल भी हमको देखने को मिलेंगे 3. और जो ड्वार्फ है और साथ में वाइट है, दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर, ऐसे इंडिविजुअल हमको देखने को मिलते हैं सिर्फ 1. तो ये जो रेशियो यहां पर आता है वो आता है 9:3:3:1. इस रेशियो को याद रखिएगा. किसका रेशियो है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इतना लंबा मैंने आपको ये करके इसलिए बताया क्योंकि आपकी समझने में आसानी होगी. देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, अब सरल शब्दों में समझिए. इस डेटा से हमने जब शुरू में पेरेंट्स लिए थे तो हमने क्या पेरेंट्स लिए थे? हमने शुरू में पेरेंट्स लिए थे 2, कि हमारे पास वो टॉल था और साथ में वॉयलेट था, एक डोमिनेंट ये. और जो दूसरा पेरेंट हमने लिया था वो लिया था कि जो हमारे पास शॉर्ट है और साथ में वाइट है. तो कहने वाली बात यह है कि टॉल के साथ हमेशा वॉयलेट था, ठीक, और शॉर्ट या ड्वार्फ के साथ हमेशा वाइट कलर था. लेकिन जब F2 जनरेशन के हमने रिजल्ट देखे तो हुआ ये कि टॉल के साथ वाइट आ गया. टॉल के साथ क्या आ गया? वाइट आ गया. और शॉर्ट के साथ, ड्वार्फ के साथ क्या आ गया? वॉयलेट आ गया. ये चीज जो थी, ये वाले रिजल्ट, ये हैरान करने वाले थे मेंडल को. हैरान इस वजह से करने वाले थे कि भाई उनको ये लगता था कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो एक साथ ट्रेवल करते हैं और रेसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं वो एक साथ ट्रेवल करते हैं. लेकिन यहां पर इस रिजल्ट ने उनकी ये उनके इस विचार को
पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अब उनकी समझ में आ गया था कि भाई जो जीन होती है उसके दो कैरेक्टर होते हैं, दो एलेल होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। ये कोई जीन पहली है, और ऐसे ही कोई जीन क्या होगी, दूसरी होगी, उसका भी एक डोमिनेंट होगा और उसका भी एक रेसेसिव होगा। तो जीन वन अपनी जेनेटिक्स अपने हिसाब से दिखाएगी, जीन टू अपनी जेनेटिक्स अपने हिसाब से दिखाएगी, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। कहने वाली बात यह है कि जीन वन का जो डोमिनेंट होगा वो जीन टू के रेसेसिव के साथ या डोमिनेंट के साथ, किसी के साथ भी आ सकता है। तो जीन वन है हमारे पास, इसका डोमिनेंट जो होगा वो जीन टू के रेसेसिव के साथ भी जुड़ सकता है और डोमिनेंट के साथ भी जुड़ सकता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि कोई भी जीन के कैरेक्टर किसी में भी कहीं भी जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, कि कोई जीन दूसरी जीन पर डिपेंड नहीं होती है अपनी इनहेरिटेंस के लिए। तो आपको ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रेशियो 9:3:3:1 ये हमेशा याद करना होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक होमवर्क नोट करिए, आप घर में होमवर्क यह है, मैंने आपको 7 कैरेक्टर बताए हैं, ठीक है, 7 में से आप कोई भी दो कैरेक्टर चुनिए, उसका पूरा F2 जनरेशन तक क्रॉस करिए और 9:3:3:1 लाने की कोशिश करिए। फिर नेक्स्ट दो कैरेक्टर चुनिए, उसकी F2 जनरेशन तक क्रॉस करिए और यही रेशियो लाने की कोशिश करिए। फिर दो कोई भी कैरेक्टर चुनिए और ये करते रहिए जब तक आप 3-4 बार करके इसको परफेक्ट ना हो जाए। जैसे ही आप परफेक्ट हो जाएंगे आपको ये जेनेटिक्स पूरी अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ में आ जाएगी। तो ये मेंडल का तीसरा लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद जेनेटिक्स में ये बेसिक जेनेटिक्स थी, क्लासिकल जेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, इसमें और कुछ खास ऐसा है नहीं। अब इसके बाद सारे के सारे एग्जाम्पल हैं और वही है बस, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाए और कुछ खास इसमें है नहीं। अब कल से थोड़ा सा क्रोमोसोम के ऊपर चलेगी, थोड़ा बातें चलेंगी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ वेरिएशन इनहेरिटेंस, ये सब हम कल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। एक नई चीज़ और आपको मैं आज समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जेनेटिक्स में इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा वो नहीं है। A+B याद रखिएगा, ठीक। A+B का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, A² + 2AB + B² ठीक है। तो जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ इस तरीके की रिएक्शन करता है, ठीक है, ये क्लियर है, तो उसका भी यही फॉर्मूला आता है, T² + 2T t² इसको इंटरप्रेट कैसे करें, कैपिटल टी दो बार प्लस स्मॉल टी। ये F2 जनरेशन का रिजल्ट आपको अगर याद हो तो, जब हम किसमें क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी में, तो ये A+B का होल स्क्वायर से मिलता जुलता ये रिजल्ट होता है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम कल क्रोमोसोमल थ्योरी वगैरह ये सब देखेंगे। आप में से अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, हम थोड़ी देर डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।